बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम फिज़िक्स का यूनिट 3 कर रहे हैं, फोर्स एंड डायनामिक्स। आज हम उसमें फ्रिक्शन करेंगे। फ्रिक्शन को उर्दू में मज़ाहमत कहते हैं। फिज़िक्स में अ फोर्स दैट अपोजिस मोशन, वो कुव्वत जो हरकत को रोकती है, मुखालफत करती है। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह बकरा में फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए हैं उनका दोस्त खुदा है, उनको अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले जाता है, और जो काफिर हैं उनके दोस्त शैतान हैं कि उनको रोशनी से निकाल कर अंधेरे में ले जाते हैं। यही लोग अहले दोज़ख़ हैं कि इसमें हमेशा रहेंगे। तो जो अल्लाह का रास्ता है वो सीधा रास्ता है, हिदन-ए-सिरात-अल-मुस्तकीम, और शैतान जो है इंसान को दूसरे रास्ते की जाने की तरफ मोड़ता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, एक कुरान मजीद, दूसरी मेरी सुन्नत। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह को जाने पहचाने, उसके लिए कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें, सोच समझ कर पढ़ें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करें। और उसका सबसे आसान तरीका है कि नबी की छोटी छोटी हर मौके के पढ़ी हुई दुआओं को याद करके पढ़ना शुरू करें। व्हाट इज़ फ्रिक्शन? इज़ द फोर्स दैट अपोजिस मोशन बिटवीन टू सर्फिसेस दैट आर इन कॉन्टेक्ट, वो ताकत जो दो अजसाम के दरमियान हरकत को रोकती है, फ्रिक्शन कहलाती है। फ्रिक्शन अकर्स व्हेन टू सर्फेसेस आर इन कॉन्टेक्ट, जब दो सर्फेसेस एक दूसरे से राबता करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, तो तब फ्रिक्शन करती है। आप देखते हैं कि पुशिंग फोर्स रेड एरो में आगे की तरफ धकेल रही है और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। व्हाट काजेज फ्रिक्शन? ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सर्फिसज इन कॉन्टेक्ट, जो सर्फिसज एक दूसरे से मिलती हैं उनको अगर आप गौर से देखें तो उनके दरमियान इरेगुलरिटीज़ होती हैं जो एक दूसरे को इंटरलॉक कर देती हैं। जैसे हम सब देखते हैं कि हम साइकिल चलाते हैं तो आगे की तरफ बच्चे मूव करते हैं, तो फ्रिक्शन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ हरकत को रोकती है। फ्रिक्शन के फ़ायदे भी बहुत हैं, जैसे फ्रिक्शन कैन बी गुड व्हेन वी वॉक वी पुश बैकवर्ड्स अगेंस्ट द ग्राउंड द अपोजिंग फोर्स पुशेस अस फॉरवर्ड, हम ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं चलते हुए, और जो अपोजिंग फोर्स है फ्रिक्शन वो हमें आगे को धकेलती है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो चलना मुश्किल हो जाता, हम स्लिप कर जाते। इसी तरह आप ब्रेक सप्लाई करते हैं बाइसिकल के ब्रेक सिस्टम को तो बाइसिकल रुक जाती है, इसी तरह आप गाड़ी को भी ब्रेक सप्लाई करते हैं तो जो ब्रेक्स होती हैं वो फ्रिक्शन को ज़्यादा कर देती हैं और चलता हुआ पहिया रुक जाता है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की अकसाम कितनी होती हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं जब नो मोशन फोर्स आप एक्ट कर रहे हैं, तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की जो फ्रिक्शन होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब स्लाइडिंग मोशन हो रही हो तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी, जब रोलिंग मोशन हो रही होगी तो रोलिंग फ्रिक्शन होगी, और इसी तरह एयर फ्रिक्शन होती है, मोशन थ्रू एयर, आगे एयर फ्रिक्शन पीछे की तरफ करती है, तो इसी तरह हवाई जहाज़ जो है वो एयर फ्रिक्शन की को फेस करता है, और इसी तरह विस्कस फ्रिक्शन, पानी की फ्रिक्शन भी होती है। तो ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस हैं जो अभी तक हमने देखी हैं, इनकी समरी है स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग और एयर और वाटर फ्रिक्शन। अब हम देखते हैं कि हम कैसे फ्रिक्शन को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है। अ साइक्लिस्ट ऑफ मास 40 kg एग्जर्ट्स फोर्स ऑफ 200 N टू मूव हिज बाइसिकल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 m/s, हाउ मच फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स।
एक 40 kg फोर साइक्लिस्ट जो है वो 200 न्यूटन फोर्स के साथ 3 meters second square एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, उसकी कितनी फ्रिक्शन होगी। तो फर्स्ट आप जो है हम वो नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें टोटल फोर्स दी हुई है 200 न्यूटन, तो हमने नेट फोर्स मालूम करनी है। नेट फोर्स जो है वो हमने उसका फॉर्मूला ड्राइव किया था। हम नेट फोर्स जो है इसमें हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, एम इज़ 40 kg और एक्सेलरेशन 3 meters second square, और जो नेट फोर्स है वो एफ इज़ इक्वल टू एम इंटू ए। हमने वैल्यूज प्लेस की 40 kg और 3 meters second square, तो हमारे पास इसका जवाब आ गया नेट फोर्स इज 120 न्यूटन। अब हमने फ्रिक्शन फोर्स मालूम करनी है, तो टोटल फोर्स माइनस नेट फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। तो हमारे पास टोटल फोर्स 200 न्यूटन है, नेट फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। जब हम इसको 200 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास 80 न्यूटन आएगा। द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स इज इक्वल टू 80 न्यूटन। तो उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।